नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से वसु के साथ और आज हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम की। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ लिखा है मैंने। आई जस्ट होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी ही धुन में मशगूल हूँ, मसरूफ हूँ। मैं अपनी ही धुन में मशगूल हूँ, मसरूफ हूँ। मैं किसी के काम आ नहीं सकता, मैं इतना मजबूर हूँ। ये गलती नहीं है मेरी, ये गलती नहीं है मेरी, ये मेरे हालात का कसूर है। मैं जो मदद करना भी चाहूँ तो वक्त कहाँ फिजूल है। कभी जूम तो कभी व्हाट्सएप का गुलाम हूँ, कभी जूम तो कभी व्हाट्सएप का गुलाम हूँ। तनख्वाह 8 घंटे की पाता हूँ पर 24 घंटों का हिसाब दूँ। अरे मैं तो अपनी मर्जी से ऑनलाइन दिख भी नहीं सकता, अरे मैं तो अपनी मर्जी से ऑनलाइन दिख भी नहीं सकता। और जो सिग्नल हो जाए ग्रीन तो मैसेज अनसीन कर नहीं सकता। इस टेक्नोलॉजी को है हमने बनाया, अब ये इंसान खा रही है। जो सांस लेना भी चाहूँ इत्मीनान से तो नोटिफिकेशन आती है कि भाई बैटरी जा रही है। दोस्तों, लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, फिर वो आपकी वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ। आज वर्क फ्रॉम होम के दौर में हम इस टेक्नोलॉजी के मानो जैसे गुलाम होते जा रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी लाइफ की बाउंड्रीज हम खुद तय करते हैं। किसी भी चीज को खुद पर इतना हावी ना होने दें कि जिंदगी का हर एक पल बोझ लगने लगे। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जिंदगी हमें किस तरह से जीनी है। आज का ये एपिसोड आपके दिल को छुआ हो, जैसे किसी ने आपके मन की बात पढ़ ली हो, तो इसे लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप अपने दोस्तों और अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। किससे अब एंकर, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर भी उपलब्ध है। तो चलिए आज इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर जल्द ही अगले एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।